पिथौर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह काकाजू ने अपने गुरु स्वर्गीय गणेश दत्त पाठक की स्मृति में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पिथौर के छत्रसाल महाविद्यालय के प्रांगण में कराया। इसका समापन किया गया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में शिवपुरी, दतिया, झांसी सहित कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें शिवपुरी जिले की सिंहनिवास पंचायत व पोहरी तहसील की टीम फाइनल मुकाबले में पहुंची। सिंहनिवास पंचायत की टीम ने पोहरी को हराकर जीत हासिल की। बता दें कि पिछौर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह काकाजू ने अपने स्वर्गीय गुरु गणेश दत्त पाठक की पुण्यतिथि पर टूर्नामेंट का आयोजन 4 सालों से वो लगातार कर रहे हैं। इस साल भी टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया। इसके समापन पर विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। सिंहनिवास गांव की टीम ने प्रथम पुरस्कार हासिल किया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट में श्री रविन्द्र पटेरिया ने कॉमेंट्री की। इस कार्यक्रम के आयोजक पिछौर विधायक केपी सिंह काकाजू व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष विकास पाठक व उनकी टीम विजेता रही। विजेता टीम को 11,000 का नगद पुरस्कार व शील्ड देकर रामेश्वर दयाल पाठक ने सम्मानित किया। उप विजेता टीम को 71,000 का नगद पुरस्कार और शील्ड देकर चंदू पहाड़ी सरपंच प्रतिनिधि दिनेश शर्मा ने सम्मानित किया। पाठक जी, आपके पिताजी की स्मृति में विधायक जी हर वर्ष वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं और उनके भी गुरु रहे हैं वो, क्या कहेंगे इस बारे में आप? आदरणीय विधायक जी द्वारा 2020 से लगातार टूर्नामेंट हमारे पिताजी की स्मृति में करवा रहे हैं और 28 जनवरी 2020 को उनकी डेथ हुई थी। उसके एक महीने में उन्होंने श्रद्धांजलि के रूप में टूर्नामेंट चालू कर दिया था 18-19-20 फरवरी को, और तब से वो निरंतर करा रहे हैं। इस बार भी विकास पाठक के नेतृत्व में विधायक जी द्वारा उनको नेतृत्व दिया गया था और बड़ा सफल टूर्नामेंट करवाया है, जिसमें कौन सी टीम विजय रही? इसमें सिंहनिवास टीम और पोहरी उप विजेता। विकास जी, पिछौर विधायक जी अपने गुरु की स्मृति में हर वर्ष वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं जिनके लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन किया, हमारे परम सम्मानीय श्री जी डी पाठक जी के चरणों में नमन करता हूँ, आज उनकी पुण्यतिथि है। दूसरी बात यह है कि हमारे विधायक जी जो पाठक जी के शिष्य रहे हैं, बचपन में उन्हें पढ़ाया है और विधायक जी भी खेल के प्रति बहुत जागरूक हैं, उन्हें खेल बहुत प्रेम है, वे भी खिलाड़ी रहे हैं। उनके द्वारा पाठक जी को सही पुण्य स्मृति याद करने के लिए ये वॉलीबॉल का जो आयोजन किया, हम सभी क्षेत्रवासी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विधायक जी को, जिन्होंने हमारे पाठक जी की याद में वॉलीबॉल टूर्नामेंट, जो एक टूर्नामेंट वॉलीबॉल पिछौर में लुप्त, पहले यहाँ पे एक क्रेज था वॉलीबॉल का, लेकिन अब जो धीमे धीमे क्रिकेट के आने से टूर्नामेंट या वॉलीबॉल खेलने वाले कम रह गए हैं, इसी को बढ़ावा देने के लिए विधायक जी ने जीडी पाठक जी की स्मृति में जो वॉलीबॉल का आयोजन की शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।